और धमतरी जिले की नगरी ब्लॉक के अंतर्गत अधिकांश गांवों में कम बारिश होने से सूखे की मार किसान झेल रहे हैं। कम बारिश होने से खेतों में लगी धान की फसल खराब होने की कगार पर है, जिसके चलते किसान अपनी फसलों को मवेशियों को चरा रहे हैं। ऐसे में किसान बेलरगांव तहसील क्षेत्र के ग्राम घोराबड़, भुरसी, डोगरी, आमगांव, जैतपुरी, कोरमुड समेत दो दर्जन से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करने और फसल बीमा की राशि का लाभ देने की मांग भी किसानों ने की है। जिले के नगरी सिहावा इलाके में इस साल औसतन से भी कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं मानसून की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। अल्प बारिश की वजह से अब खेतों में लगी धान की फसल बर्बाद होनी शुरू हो चुकी है। किसानों का मानना है कि लोग मानसून के भरोसे ही खेतों में धान की फसल उगाते हैं, वहीं पानी के अभाव में खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अब तक प्रति एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर चुके हैं और उन्हें इस बार उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी, लेकिन मानसून की दगाबाजी ने किसानों की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। पांच पंचायत मिलकर के हम अपने समस्या को कलेक्टर साहब के पास रखने के लिए आए हुए हैं। चूंकि हम सब किसान घर के हैं और जून महीना में हम सब किसान धान का बुआई कंप्लीट कर चुके हैं। आज 3 महीना हो गया, अल्प वृष्टि के कारण पूरी फसल बर्बाद है, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आवेदन लेकर के आए हैं। चूंकि हमारी किसानों का मेन जो समस्या है, हम धान से ही हमारी समस्या का समाधान करते हैं और हम यही निवेदन करने आए हैं कि हमें ये हमारी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाए और हमारी हाँ फसल क्षति होने के संबंध में फसल बीमा वाले जो है अपना जो है प्रयोग करेंगे। प्रयोग के आधार पे जो अनावरी है, अनावरी के हिसाब से उनको फसल बीमा की राशि दी जाएगी, शासन से मिलेगा। पिछले बार भी राशि दी गई थी, लगभग लगभग पिछले 2 साल से राशि मिली है फसल बीमा को। हाँ, फसल बीमा का सर्वे किया जाएगा और हर साल होता भी है सर्वे।